सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर एस्पेक्ट विजन। तो कैसे हमारे बीसीसी 2024 के सभी स्टूडेंट, आप लोग का सभी स्टूडेंट का रिजल्ट आ चुका है, रैंक कार्ड आ चुका है। और जैसे ही रैंक कार्ड आया है, सभी बच्चों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन है। पहले तो वो रैंक कार्ड को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका दो रैंक कार्ड आया है, एक स्ट्रीम रैंक कार्ड, एक ज्वाइंट रैंक कार्ड। अब किस रैंक से उन्हें कॉलेज मिलना है, सबसे पहला कंफ्यूजन यही है। कैटेगरी रैंक अलग है, यूआर रैंक अलग है, उसमें से कौन सा रैंक एप्लीकेबल होगा, आपको कॉलेज दिलाने में कौन सा रैंक यूजफुल होगा, ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन बच्चों के मन में है। तो सबसे पहला चीज जो आपको करना है वो है आपको रैंक कार्ड को समझना है। जब तक आप रैंक कार्ड को नहीं समझेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा आपका रिजल्ट क्या है। आप पास भी हुए, मतलब आप एलिजिबल भी हैं, क्वालिफाई भी किए हैं कि नहीं किए हैं, आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो किस रैंक से मिलेगा, ये सब कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले सभी बच्चे जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे। इस वीडियो पे 1000 प्लस लाइक होना चाहिए, जल्दी से सभी स्टूडेंट इस वीडियो पे लाइक कर दे अपनी तरफ से एक बार। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपका ज्वाइंट यूआर रैंक कितना है और आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, देखिए आपका दो रैंक जारी हुआ है, पहले इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्ट्रीम रैंक। अब ये स्ट्रीम रैंक क्या है, ठीक है, तो देखिए सपोज दैट पीसीबी के बच्चे हैं, पीसीएम के बच्चे हैं, पीसीएमबी के बच्चे हैं, ये तीनों बच्चे एग्जाम देते हैं। अब देखिए आपका स्ट्रीम रैंक हुआ, मतलब अगर आप बायोलॉजी से बिलोंग कर रहे हैं तो जितने भी बच्चे बायोलॉजी के एग्जाम दिए उसमें आपका रैंकिंग क्या है, वो हुआ आपका स्ट्रीम रैंक, जिसको आपका साइट पे लिखा होगा रैंक कार्ड ऑफ पीसीबी पीसीएम, वहां से जो आपने डाउनलोड किया हो, ठीक है। और ज्वाइंट रैंक वो हुआ मतलब पीसीबी पीसीएम पीसीएमबी तीनों को मिला करके, यानी मैथ प्लस बायोलॉजी सबको मिला करके जितने बच्चे एग्जाम दिए हैं उसमें आपका रैंकिंग कितना है, वो हुआ ज्वाइंट रैंक, ठीक है। और एक जो है आपका एग्रीकल्चर वालों के लिए तो अलग से ही रैंक कार्ड होगा, वो तो आप समझ ही गए होंगे, एग्रीकल्चर वालों के लिए सीबीए एमसीए पीसीए इसके लिए अलग है। अब सबसे पहला कंफ्यूजन ये आएगा, सर किस रैंक से कॉलेज मिलना है, किस रैंक से कॉलेज मिलना है और किस रैंक से कौन सा कोर्स। देखिए दोनों का अपना अपना मायने है, ठीक है, इस चीज को मैं समझाऊंगा। मैं यहाँ पे रैंक कार्ड भी आप लोग का मैं ले लिया हूं और रैंक कार्ड के बेसिस पे मैं आपको समझाने जा रहा हूं एक एक चीज, ठीक है। बट आप लोग पहले ये बता दूं कि सभी स्टूडेंट, जिस भी स्टूडेंट को एस्पेक्ट विजन से काउंसलिंग कराना है बीसीसी 2024 का, आपके सामने नंबर दिया गया है हमारा, तीन नंबर है, तीनों में से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप पे आप लोग अपना रैंक कार्ड जरूर भेज दे। और साथ ही साथ हमारे पास सीट बहुत लिमिटेड है, हमारे पास मात्र 300 सीट्स हैं काउंसलिंग के लिए और ये 300 सीट भरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और हम लोग बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं काउंसलिंग में, क्योंकि हम लोग बेहतरीन ढंग से काउंसलिंग करते हैं। तो जिसको भी काउंसलिंग कराना है, क्योंकि काउंसलिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है बाबू, आपका रिजल्ट आ गया, अब नेक्स्ट प्रक्रिया होगा काउंसलिंग। और एस्पेक्ट विजन से काउंसलिंग कराने का ये बेनिफिट है कि आपका टोटल प्रोसेस हम लोग करके देंगे। और हम लोग हर साल बच्चों का काउंसलिंग करते हैं और हर साल अच्छा रिजल्ट आता है और कोई बहुत ज्यादा चार्ज हम लोग बहुत मिनिमम फी लेते हैं। तो जिसको भी एस्पेक्ट विजन से बीसीसी का काउंसलिंग कराना है, नंबर तीन नंबर आपके पास है, तीनों में से किसी भी नंबर पे आप लोग ऐसे कॉल भी कर सकते हैं। बट अभी रिजल्ट आया है, इतना कॉल आ रहा है, इतना कॉल, फिर भी हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है जितना हो सके उतना कॉल रिसीव कर सके। लेकिन व्हाट्सएप पे हमारे पूरी टीम मेंबर बैठी हुई है, तो आप लोग जल्द से जल्द इस नंबर पे अपना रैंक कार्ड भेज दे, ज्वाइंट रैंक कार्ड भेजिएगा। जब भी भेजिएगा बाबू ज्वाइंट रैंक कार्ड भेजिएगा और साथ ही साथ काउंसलिंग प्रोसेस आपको मैसेज कर दिया जाएगा, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जल्द से जल्द सीट्स बहुत लिमिटेड है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रैंक कार्ड पे। जैसे देखिए ये है आपका रैंक कार्ड, ये आपका ज्वाइंट रैंक कार्ड है, ठीक है, ये मैंने यहां पे लिया है ज्वाइंट रैंक कार्ड पे। तो जब भी आप रैंक देखेंगे ज्वाइंट रैंक कार्ड में आपका जो भी रैंक होगा वो जेटी में लिखा होगा, ठीक है, जेटी यूआर, ठीक है, जेटी ईबीसी, जेटी बीसी, जेटी एससी, जेटी एससी, जेटी ईडब्ल्यूएस, ये वो आपका ज्वाइंट रैंक हुआ, मतलब पीसीबी पीसीएम दोनों को मर्ज करके आपका रैंक क्या हुआ, ठीक है, समझ में आया। जैसे देखिए इनका ज्वाइंट यूआर इतना है, ज्वाइंट बीसी इतना है, चूंकि ये फीमेल है तो इनका आरसीजी रैंक 925 है। अब सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि दो रैंक कार्ड आपके पास है, कंफ्यूजन आपका चरण सीमा पे होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। सबसे पहले आप समझ लीजिए किस कोर्स में आपका कौन सा रैंक कार्ड एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं नर्सिंग की, मोस्ट डिमांडेड कोर्स नर्सिंग। देखिए नर्सिंग कौन कर सकता है बाबू, जिसके पास बायोलॉजी हो।
तो नर्सिंग के लिए आपका स्ट्रीम रैंक कार्ड देखना है। कौन सा रैंक कार्ड देखना है? स्ट्रीम रैंक कार्ड देखना है, जिसमें आपका सिर्फ लिखा हुआ है रैंक कार्ड ऑफ बीसीसी। ठीक है, वही मैं बात करूं सेकेंड मोस्ट डिमांडिंग कोर्स, दैट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बाबू कौन कौन कर सकता है? एग्रीकल्चर मैथ वाले भी बच्चे भी कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले भी बच्चे कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा रैंक कार्ड एप्लीकेबल होगा? ज्वाइंट रैंक कार्ड। कौन सा रैंक कार्ड एप्लीकेबल होगा? ज्वाइंट रैंक कार्ड। ठीक है, यानी कि JTUR वाला। ठीक है, बट फिलहाल आपको जो भेजना है हमें वो सिर्फ ज्वाइंट वाला भेजना है, क्योंकि ज्वाइंट से ही हम लोग जज कर लेंगे, उससे पता चल जाता है कि आपको नर्सिंग भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये बस मैं आपको बता रहा हूं कौन सा रैंक कार्ड किस काम के लिए एलिजिबल होता है। इसके बाद फार्मेसी, फार्मा का मैं ले लूं, फार्मा कौन कौन कर सकता है? मैथ वाले भी कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले भी कर सकते हैं। इसमें कौन सा रैंक कार्ड एप्लीकेबल होगा? ज्वाइंट रैंक कार्ड। कौन सा होगा? ज्वाइंट रैंक कार्ड। वही मैं बात करूं इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग कौन कर सकता है बउआ? जिसके पास मैथ है वही ना कर सकता है। तो इसमें कौन सा रैंक कार्ड एप्लीकेबल होगा? स्ट्रीम रैंक कार्ड। कौन सा? स्ट्रीम रैंक कार्ड। वही मैं बात करूं लैब टेक्नीशियन ओटी, लैब टेक्नीशियन ओटी, रेडियोलॉजी, ठीक है, एक्सरे, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सब कौन कर सकता है? जिसके पास बायोलॉजी होगा। तो इसमें कौन सा रैंक कार्ड? अगेन स्ट्रीम रैंक कार्ड। अब ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, यानी कि कोर्स वाइज जो है स्ट्रीम रैंक कार्ड और ज्वाइंट रैंक कार्ड से डिफरेंस होता है। अब आप लोग एक डिफरेंस ये भी समझ लीजिए कि जो बच्चे बायोलॉजी के होंगे, जो बच्चे बायोलॉजी के होंगे पीसीबी के, उनका रैंक ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। रीजन ये है कि मैथ के बहुत कम ही बच्चे बीसीसी का एग्जामिनेशन देते हैं, इसीलिए जो बच्चे आपके बायोलॉजी के होंगे उनका अगर ज्वाइंट यूआर 2500 है, उनका स्ट्रीम में होगा 2000। ऐसा ही मतलब रेशियो होगा, मतलब 500 बच्चे कौन से आ गए? मैथ वाले आ गए। समझ में आए? डिफरेंस कहां आएगा रैंक में? डिफरेंस आएगा मैथ के बच्चों में। मैथ के बच्चों का अगर ज्वाइंट रैंक कार्ड 2500 होगा तो स्ट्रीम में पता है उनका कितना होगा? अप्रोक्स जो है उनका 1000 होगा, 1100 होगा। तो डिफरेंस आएगा मैथ वाले बच्चों में। तो ये डिफरेंस आप समझ गए कि आपका स्ट्रीम रैंक कार्ड उन कोर्सों के लिए आपका एलिजिबल है जिनमें दोनों बच्चे जा सकते हैं, और ज्वाइंट जो है, ज्वाइंट का ये सब। अब देखिए काउंसलिंग जो होता है आपका, ज्वाइंट काउंसलिंग होता है। क्या होता है? ज्वाइंट काउंसलिंग, मतलब जो काउंसलिंग होती है बउआ, वो आपका ज्वाइंट रैंक कार्ड से ही होता है। ज्वाइंट रैंक कार्ड से काउंसलिंग होता है, इसीलिए हम लोग प्रायोरिटी हम लोग ज्वाइंट रैंक कार्ड को देते हैं। काउंसलिंग आपका प्रक्रिया जो होता है वो आपका ज्वाइंट रैंक कार्ड से ही होता है, ठीक है। इसीलिए इसके काउंसलिंग को भी कहते हैं ज्वाइंट काउंसलिंग, ठीक है। ये बात आगे आपको समझ में आएगी, अभी बहुत सारी जानकारी आपको लेनी बाकी है जो मैं आपको दूंगा। आप लोग बस वीडियो पे पहले लाइक कीजिए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपका कितना रैंक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किए नहीं किए जल्दी से कीजिए महाराज, ठीक है। समझ में आया? तो काउंसलिंग आपका होने जा रहा है ज्वाइंट रैंक कार्ड से। तो मेन महत्व जो होता है वो ज्वाइंट रैंक कार्ड से होता है। अब बात कर लेते हैं सर, हमारे रैंक कार्ड में यूआर रैंक दिया गया है, हमारे रैंक कार्ड में कैटेगरी रैंक दिया गया है, हमारे रैंक कार्ड में आरसीजी रैंक भी दिया गया है, ये क्या है सर और कौन सा रैंक हम देखें? बहुत बच्चे क्या करते हैं, अपना कैटेगरी रैंक देख लेते हैं और बोलते हैं सर मैं कैटेगरी में 200 है मिलेगा। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए, किसी भी कॉलेज का हम सीट उठा ले, सपोज दैट किसी कॉलेज में 60 सीटें हैं, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बाबू मेरे वीडियो देखने के बाद, आपका कॉन्सेप्ट कुछ हो ना हो कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ये बात आप लोग मान लीजिए और समझ जाइएगा वीडियो जब खत्म कीजिएगा तो। और एक बात, आप लोग काउंसलिंग के लिए बाबू जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा ले, नंबर आपके सामने है, नंबर पे आप लोग अपना रैंक कार्ड व्हाट्सअप जरूर करें, ज्वाइंट रैंक कार्ड व्हाट्सअप करें, फिर बाकी की जो प्रक्रिया होगी वो हमारी टीम आपको मैसेज कर देगी, निश्चिंत रहिए, ठीक है। लेकिन नंबर आपके सामने है, आप लोग सभी बच्चे इस नंबर को स्क्रीनशॉट ले ले और इस पे व्हाट्सअप जरूर करें। क्या व्हाट्सअप करना है? अपना रैंक कार्ड व्हाट्सअप करना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग रैंक की, हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए किसी कॉलेज में मान लेते हैं 60 सीट, तो वहां पे क्या होगा बउआ, 60 में से मान लेते हैं कि आपका 20 सीट जो है अनरिजर्व्ड है यूआर, इस पे कौन कौन जाएगा? इस पे सभी बच्चे जाएंगे, वो बच्चे भी जाएंगे जो सिर्फ जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ सबका यूआर रैंक है, सब लोग जाएंगे। हो सकता है इस कॉलेज में 8 सीट है आपके बीसी के लिए, 8 सीट है आपके ईबीसी के लिए, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। 6 सीट एससी के लिए है, 2 सीट एसटी के लिए है, 5 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपका यूआर रैंक
रैंक जो है वो इस सीट के लिए एप्लीकेबल होगा, आपका एससी रैंक जो है वो इस सीट के लिए एप्लीकेबल होगा, आपका कैटेगरी रैंक इस सीट के लिए एप्लीकेबल होगा, ऐसे ऐसे करके आपका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है रैंक। तो अब ये सब तो चलिए बाद की बात है, इतना कॉन्सेप्ट काहे समझा रहे हैं सर, हम लोग को सिंपल सा फंडा समझाइए ना। देखिए सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, पहले जो है आपको कॉलेज जब आपको अलॉट किया जाता है गवर्नमेंट कॉलेज, यानी कि जब काउंसलिंग होती है, पहले आपका यूआर रैंक देखा जाता है। अगर यूआर से कॉलेज मिल गया तो ठीक है, तो आपको यूआर सीट अलॉट कर दिया जाएगा आपके यूआर रैंक से। अगर यूआर नहीं मिला तब आपका कैटेगरी रैंक देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? कैटेगरी रैंक। चाहे आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, आप बीसी से बिलोंग कर रहे हैं, आप एबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, आप एससी से कर रहे हैं, आप एसटी से कर रहे हैं, आप ईडब्ल्यूएस से कर रहे हैं, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं वो आपका कैटेगरी रैंक देखा जाएगा। कौन सा रैंक देखा जाएगा? कैटेगरी रैंक। अब कैटेगरी से अगर आपको मिल रहा है तो आपको फिर कैटेगरी वाला सीट अलॉट किया जाएगा, ठीक है। अगर कैटेगरी से भी नहीं मिला तब तीसरा, कुछ फीमेल होंगे ईडब्ल्यूएस छोड़ के बाकी सबका आरसीजी रैंक रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में बाबू फीमेल के लिए अलग से सीट रिजर्व है, तो वो आरसीजी वाले जो सीट है, कौन से सीट? यो आरसीजी वाले जो सीट्स हैं वो फिर देखा जाएगा आपके आरसीजी रैंक से। समझ में आया बात? क्रिस्टल क्लियर हुआ? तो ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी आपका सीट मैट्रिक्स आएगा, बहुत कुछ अभी होना, अभी तो रिजल्ट ही आया है, अभी आपका लंबा प्रोसेस चलेगा, लंबा प्रोसेस। और इसी प्रोसेस के लिए मैं बता रहा हूं ना, आप लोग को इतना दिमाग ही नहीं लगाना है, ये तो बस मैं आपके समझने के लिए बता दिया, क्योंकि बच्चों को इतना कंफ्यूजन है रैंक कार्ड जब से आया है। सर मेरा दो रैंक आया है, सर मेरा दो रैंक आ गया, मैं कौन सा रैंक लूं? सर मेरा यूआर में इतना है, मेरा एससी में इतना है, मेरा कैटेगरी में इतना है, सर कौन सा रैंक देखूं? कुल मिला के देखा जाए तो लड़की लोग बोल रही है सर मेरे पास छ छ वो रैंक आ गया। बोले अरे बाप, सो कौन सा आप जो है एग्जाम दे लिए जो आपके पास छ छ रैंक आ गया? बोले नहीं सर मेरा छ वो रैंक आया है। अरे वो दो गो अलग अलग रैंक कार्ड है, ठीक है, आपका तीन रैंक होगा, ठीक है, और जो बॉयज होंगे उनका दो रैंक होगा, कोई एडिशनल कैटेगरी होगा तो तीन होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे। रैंक कार्ड बहुत सिंपल है, कोई उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। हाँ लेकिन देखिए कुछ बच्चे ये भी करते हैं, सिर्फ एक, देखो होता क्या है, आपको रिजल्ट, आपका रिजल्ट, आपका सपोज डेट, आपका रिजल्ट आया, मैं पूछा आपका क्या रिजल्ट आया, आप बोलोगे कि भैया मेरा इतना रैंक आया, तो आपको पता चल गया एक रैंक कार्ड। आप बच्चे क्या करते हैं, एक रैंक कार्ड देख लेते हैं, सोचते हैं हो गया मेरा ये रिजल्ट है, दूसरा तब दिमाग ही नहीं लगाते। तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूं आपका दो रैंक कार्ड आया है, दोनों चेक कर लीजिएगा। आपको स्ट्रीम रैंक कार्ड भी चेक करना है, आपको ज्वाइंट रैंक कार्ड भी चेक करना है, दोनों रैंक कार्ड आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिएगा। क्लियर है ये चीज ना? क्लियर है ना? समझ में आया? इसके बाद चेक करने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका रैंक कितना आया है। और आप लोग जितने भी बच्चे बीसीसी का हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जल्द से जल्द इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे अपना रैंक कार्ड भेज दीजिए, और साथ ही साथ काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से आपका काउंसलिंग करके देंगे, क्योंकि आपको काउंसलिंग सबको कराना है, चाहे आपका कितना भी रैंक है, काउंसलिंग प्रक्रिया ही ऐसी है कि सबको अटेंड करना ही है, ठीक है, सबको अटेंड करना है। चाहे आपका 1000 रैंक है, आप 2000 रैंक है, 3000 है, 5000 है, 10000 है, 20000 है, सबको काउंसलिंग अटेंड करना ही है। साथ ही साथ इस बार तो प्राइवेट कॉलेज भी ऐड हो गए, तो उसका भी काउंसलिंग करना है। अब प्राइवेट में भी सभी कॉलेज नहीं ना डाल देंगे, आपको जरूरत है एक्सपर्टीज की, आपको जरूरत है एक्सपीरियंस की, वो सभी चीजें यूटिलाइज करके हम लोग काउंसलिंग करते हैं बेहतरीन ढंग से। तो इसके लिए आप लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर ले, क्योंकि सबका हम लोग काउंसलिंग नहीं करते, फर्स्ट जो हमारे पास 300-400 बच्चे होते हैं सिर्फ उसी का करते हैं, इसलिए जल्द से जल्द आप लोग रजिस्ट्रेशन कर ले। तो समझ गए, ये वीडियो बेसिकली था आपको रैंक कार्ड समझाने के लिए। तो रैंक कार्ड समझ गए ना आप, क्या होगा? दो रैंक कार्ड आया होगा, स्ट्रीम रैंक कार्ड, ज्वाइंट रैंक कार्ड, दोनों का अपना अपना मायने है, दोनों का अपना अपना जो है इंपॉर्टेंस है। कुछ कोर्सेस आपके स्ट्रीम रैंक कार्ड से मिलते हैं, कुछ कोर्सेस जो आपके ज्वाइंट से करते हैं, लेकिन मेन जो कहते हैं सर्वोपरि, जो सर्वोपरि है वो है आपका ज्वाइंट रैंक कार्ड। तो सब बच्चे ज्वाइंट रैंक कार्ड डाउनलोड कर ले, और हमें हमारे पास भी जो भेजिएगा वो आपको भेजना है कौन सा? ज्वाइंट रैंक कार्ड भेजना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है ज्वाइंट रैंक कार्ड का। किसका होता है मेरे भाई? ज्वाइंट रैंक कार्ड का होता है। क्लियर है? समझ गए? तो बीसीसी 2024 के बच्चे सबसे आखिरी सब ठीक है, आपको फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई आपके रिजल्ट के लिए। उम्मीद करते हैं सबका काफी अच्छा रैंक आया होगा, सबका काफी अच्छा कैटेगरी में रैंक आया होगा, और उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे सफल हो, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स एकदम भर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।